मैं तो हूँ दीवाना बेखबर, हो पल पल देखे तुझको ही नजर, मेरी पहलू में रहना एक पल भी दूर न जाना, किसी और की दिल में हसरत नहीं है, तुम ही तुम निगाहों में हो, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप का जो चैप्टर चल रहा है मैथ में, रेशियो, अनुपात एंड प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात समानुपात का ये पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं आपके लिए, और काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत जुड़िए अल्फा स्टडी से, और आप तुरंत जुड़िए अल्फा स्टडी से और देखिए अल्फा स्टडी को, क्योंकि आपको यहां मिलेगा एकदम धांसू ट्रिक, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे, एक सेकेंड में क्वेश्चन पार हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, समय का व्यर्थ न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है दोस्तों कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, इनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? देखिए, ए जो है और बी है, अगर अनुपातिक राशि आप एक्स मानते हैं तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, तो इस दोनों का गुणनफल कितना है? 320। तो इस दोनों में गुना कर दीजिए, इसके बराबर 320 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब क्या हो जाएगा, ये आपका 20x² = 320। अब ये क्या हो जाएगा, x² = 320 / 20। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब x² क्या आया, 16। अब x क्या हो जाएगा, √16, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, ये अनुपातिक राशि आया। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, a का, तो a का पूछा है दोस्तों, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 4 × 4, 4 × 4 = 16 वर्ष आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं रेशियो का, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। अगर आप प्रश्न की भावनाओं से देखते हैं तो कहता क्या है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, और इनके गुणनफल, तो गुणनफल यानी गुना, 4x × 5x = 320, एक्स का जो वैल्यू निकला उसमें 4 से गुना कर दिए, ए का निकल जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, बी का निकल जाएगा 16 वर्ष, इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ, काफी बेहतरीन से बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों, आसानी के साथ आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। और ये खास बात होती है एग्जामिनर की दोस्तों, की लेवल, देखिए दोस्तों कंपटीशन क्या है आपका, कंपटीशन आपका टाइम टेकन है दोस्तों, किस तरह से आप अच्छे से अच्छे समय में, कम से कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे, समझिए आपका एकदम दोस्तों। बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड का व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन टाइमर लगा कर क्वेश्चन के करेंगे, विद इन 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि जयश्री की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है। जयश्री की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की क्या है, 3 गुनी। अगर छोटी बहन का आयु अगर 1 वर्ष हो जाएगा तो जयश्री का आयु क्या हो जाएगा, 3x वर्ष, छोटी बहन का 1 वर्ष तो जयश्री का क्या हो जाएगा, 3x वर्ष। अब क्या कहा क्वेश्चन में दोस्तों, कहता है कि इनकी आयु का गुणनफल 300 है, तो x × 3x = क्या हो जाएगा, 300, आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, तो 3x² = क्या हो जाएगा, 300, है ना, x² = हो जाएगा 300 / क्या, 3 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, x² = हो जाएगा 100।
अब x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि जयश्री की आयु क्या होगी, तो जयश्री की आयु निकालने के लिए 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 3 गुने 10, 10 दिया 30 वर्ष, ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। इस तरह से खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चन के भावनाओं को समझ रहे दोस्तों। अगर आप मेरे भावनाओं से लीजिएगा तो उसकी बहन की आयु हम x माना, तो जयश्री का 3x हो जाएगा और इस दोनों का जो गुणनफल है वो 300 के बराबर, तो x का वैल्यू निकला उसमें 3 से गुणा कर देंगे, जयश्री का आयु निकल जाएगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन टाइप लेकर आए, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। और आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी को वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो देर मत कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो भी अपडेट हो वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है कि हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 वर्ष है दोस्तों। इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा 240, हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, 240 वर्ष है। अच्छा ठीक है, हाँ यदि सीमा की आयु की दोगुनी और हरीश की आयु के चार वर्ष अधिक है तो सीमा की आयु वर्ष में क्या होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ऑप्शन टारगेट से उड़ा देते हैं। ऑप्शन टारगेट से अगर आप 12 इयर्स को लेते हैं, अगर आप 12 वर्ष को लेते हैं तो जहां ध्यान दीजिएगा यहां एक हरीश है और गुणे सीमा बराबर आप 240 है। अगर आप यहां आपसे पूछा किसके आयु, सीमा की आयु 12 वर्ष लेते हैं ऑप्शन से, तो हरीश गुने 12 बराबर क्या हो जाएगा 240। खूब गौर से समझिएगा दोस्तों, तो हरीश बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा कितना 12, 20 आ गया दोस्तों, हरीश का कितना आ गया 20। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या कहा है कि सीमा की आयु की दो गुने सीमा हरीश की आयु से 4 वर्ष क्या है अधिक है। अगर हरीश की आयु में हम 4 वर्ष जोड़ देते हैं तो सीमा की आयु के दोगुनी के क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा। तो अब इसमें पुट करिए वैल्यू, 2 × 12 बराबर हरीश 20 जोड़ 4। अब आप देखेंगे तो 24 = 24 आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में LHS बराबर अगर RHS आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों। तो 12 वर्ष इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा देते हैं दोस्तों। मजेदार टाइप लेकर आए हैं आपके लिए एकदम, देखते रहिए अल्फा स्टडी, काफी बेहतरीन से बेहतरीन टाइप लेकर आया दोस्तों। और आपके लिए अलग अलग रीजनिंग और मैथ का अलग अलग प्लेलिस्ट बनवा दिया गया दोस्तों, आप जरूर देखिए दोस्तों। जैसे हमने डाइस पढ़ाया है, कैलेंडर पढ़ाया है, वेन डायग्राम पढ़ाए हैं, रैंकिंग पढ़ाया है दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर का रीजनिंग का भी पढ़ाया है, वाटर मीटर पढ़ाया है, क्लॉक पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है रीजनिंग में भी और मैथ में भी, बहुत सारा पार्ट अभी तक हो चुका है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों। हाँ ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा क्या दोस्तों क्वेश्चन में कि किसी स्कूल में कुल 660 छात्र है, यानी टोटल कितना है, कुल आपका कितना है 660। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 13:9 है, लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 13:9 है, लड़का कितना है, लड़का आप 13x मानिए, लड़की कितना हो जाएगी 9x हो जाएगी। ठीक ना, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां स्कूल में आ जाती है तथा
कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, हाँ चले जाते हैं, इससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या क्या थी दोस्तों? देखिए दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। अब इस दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 660 के क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 13x + 9x = 660 तो लिख सकते हैं। अब यह 22x = 660 लिख सकते हैं। अब x = 660/22 लिख सकते हैं। 22 + 66 = 30 लिख सकते हैं। अगर आप लड़का का बात करिएगा तो लड़का कितना हो जाएगा, लड़का हो जाएगा आपका, हाँ 13 × 30 = 30, 13 × 3 = 39। अगर आप लड़की के बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 × 30 = 270, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहता क्या है कि 30 लड़की स्कूल में आ जाती है तो 30 को लड़की आ जाएगी तो कितना हो जाएगी, 300, ठीक है, 300 हो गया दोस्तों, 30 लड़की आ जाएगी तो 300 हो गया। अब इसका क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में कहता है कि 30 लड़की आ जाती है और कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तो ये जो 30 लड़की आ जाती है यानी जो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 6:5, तो 5 देखिए जब ये आया और फिर गया तब ना अनुपात हुआ 6:5, तो जो 5 के बड़ा हटा दीजिए कंप्यूटर की क्वेश्चन को हटा दीजिए। देखिए दोस्तों कहा कि 6:5 है तो 5 बराबर जो होगा ना, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 300/5। इसलिए अगर हम 6 बराबर निकाल दें तो 300/5 × 6, 6×5 = 30, 5×6 = 30, 60, 360, ठीक है। तो यहां पर अनुपात में जो दे दिया है आपका कितना दे दिया है, 6:5, यानी लड़का का दे दिया था आपको 6 और लड़की का दे दिया था आपको 5, तो 5 के बराबर 300 होगा, लड़की है इसलिए 1 के बराबर, इसलिए 6 के बराबर कितना होगा, 360। तो लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या जो हो गए वो क्या हो जाएगा, हाँ तो स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या बताइए, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या कितना हो जाएंगे दोस्तों, पहले लड़का कितना था, 390, अब लड़का कितना हो गया, 360, कितना चला गया तो 30। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं एकदम रेशियो का, मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों से खेलते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और 30 इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाते हैं दोस्तों, काफी मजेदार पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, काफी बेहतरीन ट्रिक सब लेकर आए हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, कहता क्या क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक नियोगकर्ता कर्मचारियों की संख्या 8:3 में कम करता है तथा वेतन में 3:8 के में बढ़ावा कर देता है, तो उस नियोगकर्ता को वेतन बिल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यह किस अनुपात में होगा। देखिए दोस्तों बहाली करने वाला अभ्यर्थी व्यक्ति जो है ना, वेतन में क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन कर्मचारी में क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जरा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं। देखिए 8:3 और 3:3 क्या हो जाएगा, 8 गुना कर दीजिए, 8 × 3 = 24 और 8 × 3 = 1:1,
यानी अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन में कि वेतन बिल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, किस अनुपात में हो रहेगा, तो वह कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिमेन चेंज होगा, रिमेन अनचेंज होगा, वह एक अनुपात एक के अनुपात में रहेगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं दोनों के रेशियो से दोस्तों, आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। देखिए ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों, एक अनुपात एक, आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है कि जो है ना कर्मचारियों की संख्या में 8:3 कम कर देता है और वेतन में 3:8 बढ़ा देता है दोस्तों, सीधा सीधा क्रॉस सीधा सीधा मल्टीपल कर देंगे, है ना, यही आपका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल, थैंक यू।